हमेशा से आज तक तुमने किया ही क्या? चीटिंग के सिवा कभी अपनों के साथ तो कभी परायों के साथ। लेकिन बताओ सागर, कृष्णा के विश्वास के साथ चीटिंग करके क्या मिल गया तुम्हें? तुमने ये तक नहीं सोचा कि जब तुम इस बच्ची को पता चलेगा सच्चाई के बारे में तो क्या बीतेगी उसके मन पर? पहले तुमने बहूजी की हेल्प लेने की कोशिश करी, फिर होटल से खाना मंगा लिया। इससे कहते हो तुम चैलेंज सागर? इसके लिए तुमने हमें यहाँ पे रोका था? अगर जीतने का इतना ही शौक है ना सागर, तो ईमानदारी से खेलते, ईमानदारी से जीतते। कमजोर लोग ऐसे चीटिंग करके जीतते हैं। मम्मा मम्मा मेरी बात सुन। लेकिन हम तुमसे ये सब कह भी क्यों रहे सागर, जो सर से लेकर पैर तक से चीटिंग से भरा हुआ और कर भी क्या सकता है? लेकिन अब बस बहुत बहुत हो गया ये चैलेंज। ये चैलेंज रखने का फैसला तुम्हारा था ना सागर, लेकिन तुम्हारी चीटिंग के बाद हमारा फैसला भी सुन लो। हमारी कृष्णा के साथ में कोई भी चीटिंग करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए हम अभी और इसी वक्त अपनी कृष्णा को लेकर यहाँ से जा रहे। चलो कृष्णा। मम्मा मम्मा, कृष्णा प्लीज, हम जितना रह सकते थे ना इस घर में हमने रह लिया, अब और नहीं रह सकते बस। मम्मा, आप तो चीटिंग से गुस्सा थे ना, और वैसे भी जिसने चीटिंग की वो तो हार ही गया, आपको तो पॉइंट मिल गए ना। बाबू सही कह रहे थे, सब ना बचकानी हरकतें हो रही है, बचकानी हरकतों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं चले जाऊं। मम्मा प्लीज। कृष्णा चुप, अपने कपड़े तय करो। मम्मा कोई कैसे भी हारे हैं, मैं इससे क्या, मैं अपनी जीत से मतलब है ना। बस हमने कह दिया और कुछ नहीं सुना हमें, चलो हम कह रहे हैं। कृष्णा अपने कपड़े पैक करो। मम्मा प्लीज, जब तक चैलेंज खत्म नहीं होता यहाँ से मत जाओ ना। कृष्णा हम और कुछ नहीं सुनेंगे, हमने कहा ना कपड़े तय करो। चलो गंगा। गंगा मैं जानती हूँ सागर ने गलत किया है, लेकिन अपनी इस गलती में वो अकेला नहीं है, मैं भी शामिल हूँ। गंगा मैं सागर की तरफ से माफी मांगती हूँ, प्लीज सागर और मुझे माफ कर दो। जी ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज हमें पाप का भागीदारी मत बनाओ। क्यों गंगा, गलती की माफी देने से कोई पाप का भागीदार नहीं होता, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ आज के बाद तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। लेकिन प्लीज ये चैलेंज पूरा होने से पहले घर छोड़ के मत जाओ। तुम चाहती हो तो मैं सागर को बुलाती हूँ, वो भी तुमसे माफी मांग लेगा। नहीं नहीं बाबूजी, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, उसके सॉरी कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आज सॉरी कहेगा और कल फिर से वही काम करेगा। ठीक है, इस चैलेंज के खत्म होने तक हम यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। थैंक यू गंगा। मैं जानती थी मम्मा जरूर मान जाओगे। आई लव यू। और अब आपके 2 पॉइंट्स और पापा के 0, ओके? थैंक यू मम्मा, थैंक यू। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने, तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटा आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलुका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।